मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 27th of March 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरवा। डॉलर इंडेक्स करेंटली एट 104.32, सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन। यहां जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इफ यू सी एट द वीकली पर्सपेक्टिव, वी कैन सी दैट द ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज देयर एंड द प्राइस इज करेंटली जस्ट hovering around the resistance. यहाँ पे ये जो resistance is considered to be a resistance if it is respected. Similarly, supports may be considered as a support if it is respected. Considering this particular important information, ये जो resistance है, इसको अगर respect करना होता, तो काफी fast respect करने से बढ़िया है। सब कुछ देखो, यहाँ पे आया, फिर suddenly नीचे आ गया। आप अगर देखोगे, यहाँ पे आया, फिर suddenly means वो लेवल पे सस्टेन नहीं करता है। अगर टाइम पास करता है, दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। आई एम नॉट टेलिंग दैट इट्स दैट गोइंग टू मूव हायर, बट इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, एन अलर्ट सिग्नल। सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना है कि डॉलर इंडेक्स ऐसा ना हो कि ये आपका 25 मार्च के हाई के ऊपर, विच इज 104.50, इसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए। In such a case, 105.00 is going to be expected to act as the first minor resistance. So, ये जो consolidation is fearful. Then coming GBP dollar. GBP dollar में आप देखोगे मंडे के दिन में एक अच्छा खासा bounce back आया and Tuesday के दिन में ये एक inverted hammer. Lucky inverted hammer at the top of a trend is considered to be the best. लेकिन यहाँ पे ये जो inverted hammer, इसका ये एक just down bottom के आसपास, support level के आसपास inverted hammer, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसके high के ऊपर, यानी ये inverted hammer के high के ऊपर अगर close देते हैं, in such a case, GBP dollar is going to move higher. Possibly towards 1.28. So, इसको अगर ऊपर जाना है, तो मंगलवार का जो हाई है, मंगलवार का हाई है आपका 1.2670. इसके हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। क्या ये होता है? या ये बॉटम को 1. ये जो बॉटम की तरफ, जो 1.2500 की तरफ जाते हैं, 1.2500 की तरफ अगर जाना है, तो ये मंडे का लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। That means 1.2585 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन जीबीपी डॉलर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.2500। ये हो गया जीबीपी डॉलर। सो हमें देखना है आने वाले दिनों में क्या ये मंडे का लो को तोड़ता है या ट्यूजडे का हाई को तोड़ता है। जीबीपी आईएनआर में कल के दिन में एक रिवर्सल देखा गया, रिवर्सल ऑफ द मंडेज मूव। मंडे का जो मूव था, मंडे में एक पॉजिटिव मूव था, उसके उसी मूव को रिवर्स किया। इसका दो रीजन से, एक है जीबीपी डॉलर, दूसरा कंपोनेंट है डॉलर रुपी। डॉलर रुपी काफी मींस स्ट्रेंथन किया फ्रॉम मंडेज हाई, मींस फ्राइडेज हाई, जिसके कारण यहाँ पे जीबीपी आईएनआर में काफी वीकनेस देखा गया। अभी क्या है इम्पोर्टेंट दो है, ये फ्राइडे का लो विच इज 104.85 और नहीं तो मंडे का हाई है 105.50। ये दोनों आइदर साइड अगर ब्रेकआउट करता है, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूव इन जीबीपी आईएनआर। नाउ कमिंग टू यूरो डॉलर, सिमिलर एनालिसिस यूरो डॉलर पे। थर्सडे एंड फ्राइडे को अच्छा खासा सेलिंग देखा गया, मंडे को पुल बैक एंड फ्रॉम द बॉटम देखा गया, एंड ट्यूजडे को एक इन्वर्टेड विंबल। सो वही एनालिसिस, ये एट द टॉप ऑफ ए मूव होता इन्वर्टेड विंबल, इन सच ए केस एक सेलिंग इंडिकेशन होता। अभी ये क्या है, इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूशन देखेंगे, ये एक एनालिसिस। दूसरा वाला मंडे के लो के नीचे फर्दर सेलिंग देखेंगे, यानी आज या आने वाले दिनों में यूरो डॉलर कौन सा डायरेक्शन में जाते हैं? क्या ये हाई को तोड़ते हैं मंडे ट्यूजडे का हाई, दैट इज 1.0865,
या मंडे का लो दैट इज योर 1.0800। कौन सा साइड को ब्रेक आउट करते हैं उसके ऊपर हमारा ये यूरो डॉलर का एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं यूरो आयनर। यूरो आयनर में भी सिमिलर एनालिसिस। आपका जो मंडे के दिन में पुलबैक देखा गया था फ्रॉम द सपोर्ट लेवल, लेकिन कल के दिन में पूरा का पूरा जो पुलबैक है उसको रिट्रेस कर गया, मींस पूरा का पूरा रिवर्स कर गया। अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, क्या आने वाले दिनों में ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देते हैं? कंसीडरिंग दैट फैक्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल से एक है मंडे का हाई व्हिच इज 90.50, या आप बोलोगे यहाँ पे तो 90.4747 दिखा रहा हाई, मैं थोड़ा सा जस्ट एक दो पिप ऊपर का पकड़ रहा हूँ। सो 90.50 के ऊपर अगर जाते हैं तो यूरो आयनर में मूव टूवर्ड्स 90.95। अगर ये फ्राइडे के लो के तरफ चलते हैं, इन सच ए केस क्या लो है आपका 90.00, इसके लो के नीचे अगर क्लोज देते हैं तो एक बढ़िया सा सेलिंग देख सकते हैं टुवर्ड्स 89.50। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहे हैं। एमओएफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या ये कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं, बीओजे का कोई इंटरवेंशंस आते हैं जिसके कारण ये 151.50 के आके कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन मींस वेट एंड वॉच मोड। मार्केट नीचे जाना नहीं चाहते हैं, रेदर मार्केट वांट्स टू ब्रेक अबोव 152 लेवल्स। तो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ पे एक फियर है, क्या बीओजे का डंडा, एमओएफ का डंडा, क्या मींस उस टाइप का इंटरवेंशन हम एक्सपेक्ट करेंगे? देखते हैं, अगर नहीं आते हैं इन सच केस वी कैन एक्सपेक्ट अप मींस एक बार 152 के ऊपर जाएगा तो एक स्विफ्ट मोमेंटम मे बी टुवर्ड्स 152.50 152.75 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 152 के ऊपर जबरदस्त स्टॉप लॉसेस आर। सो हमें ये कंसोलिडेशन के बाद हमें देखना है क्या बीओजे का डंडा आते हैं, इन सच केस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, अदरवाइज एक ब्रेकआउट के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। अभी आते हैं येन आयनर। येन आयनर यहाँ पे आपका एक W पैटर्न का फर्स्ट लेग आया हुआ है, क्या W यहाँ से आया फिर अभी नीचे की तरफ। व्हाट नेक्स्ट में W के लिए हमें ये चाहिए, क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए आपका जो फ्राइडे का हाई है आपका 55.30, इसके हाई के ऊपर आज कल या फ्राइडे को क्लोज देना पड़ेगा। इन साचे के डबल बॉटम फॉर्मेशंस के बाद एक जबरदस्त अप मूव टुवर्ड्स 56.50 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी ये 1.36 का जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखोगे कि काफी समय से ये 1.3350 एंड 1.36 के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही बढ़िया सा ब्रेकआउट। अभी ये ब्रेकआउट क्या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? अगर ऊपर की तरफ होना है तो RSI 60 का जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाना है। इन सच ए केस ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक कोई नामोनिशन नहीं है, कंसोलिडेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर जो है आपका अभी 0.6525, ये आपका मंडे के दिन में एक पुल बैक था, कल के दिन में इन्वर्टेड हैमर का हाई के ऊपर एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मंडे के लो के नीचे एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 0.645060 के तरफ। अभी आते हैं सीएनएच। करेंटली इट इज एट 7.2400। आपका फ्राइडे के दिन में सीएनएच काफी डिस्टर्ब था, डेप्रिशिएट किया टुवर्ड्स 7.27। मंडे एंड ट्यूजडे को उसको कंटेन किया गया है बाय एक्टिवली इंटरवीनिंग इन द मार्केट बाय पीबीओसी, जिसके कारण यहाँ पे हल्का सा एक रेस्ट्रिक्शन है। अभी हमें देखना है क्या ये पीबीओसी कंसिस्टेंटली इसको मींस अप्रिशिएट करवाते हैं या नहीं, क्योंकि दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज गोइंग टू गिव ए क्लियर इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्शन एज फार एज आवर डॉलर रुपीज कंसर्न। नेक्स्ट आते हैं इजिप्ट ब्रेंट क्रूड फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहे हैं,
यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट एट आपका 84.67, यहाँ पे ये एक आपका स्टेप का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, जो नेगेटिव कैंडल आपका अभी एक ये मीन्स थोड़ा सा इसका लिए हमें एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे, फर्स्ट टुवर्ड्स 85.30, सेकंड टुवर्ड्स 84.50, 84.40-50 के आसपास अगर आते हैं, उसके बाद हमें नए सिरे से देखना है क्या ये इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं या ब्रेक डाउन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में कल के दिन में थोड़ा सा प्राइस जो है सॉफ्ट हुआ फ्रॉम द हाईज, फ्रॉम द हाई ऑफ 4.273 इट क्लोज इट 4.234, करेंटली इट इज 4.23। So, यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन से अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो आपका मंडे का लो है, मंडे का लो क्या है 4.19, इसके लो के नीचे हमें एक फर्दर सॉफ्टनेस टुवर्ड्स 4.08 से 4.10 के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मंडे के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। अभी आते यूएस टू ईयर ट्रेजरी, यूएस टू ईयर ट्रेजरी में आप अगर देखोगे कल के दिन में आपका मींस सिमिलरली प्राइस फ्रॉम द हाईज रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे एक मंडे का लो, मंडे के लो के नीचे फर्दर डाउन टुवर्ड्स द रिसेंट स्विंग लो व्हिच इज 4.45, इसकी तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी उसके लिए हमें मंडे के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर रुपी, डॉलर रुपी इज करेंटली एट 83.30, कल के दिन में जब हमारा इंडियन मार्केट ओपन हुआ इनविजिबल हैंड्स और एक्टिव, जिसके कारण यहाँ पे जो फ्राइडे का पागलपन था वो रुक गया है। उसमें भी हमारा तीन कंडीशन है, एक क्या कंडीशन है, एक है हमारा CNH, ये पागल दोबारा पागल नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ फर्दर डेप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। दूसरा वाला है डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स भी हल्का सा सॉफ्ट था कल के दिन में, लेकिन यूएस मार्केट में फिर बाउंस बैक करके ये एक पिन बार बनाया हुआ जो एक डेंजर जोन है। जब तक इसके लो के नीचे यानी पिन बार के लो के नीचे सस्टेन नहीं करता है, तब तक एक अपवर्ड बायस का पॉसिबिलिटी है, जो डॉलर रुपी का हल्का सा आपको इम्पैक्ट कर सकता है। एंड द थर्ड कंडीशन इज योर इनविजिबल हैंड्स, इनविजिबल हैंड्स सबको सरप्राइज करने में बहुत मजा आता है, बहुत बोले थे उनको बहुत अच्छा लगता है सबका कटवाने में, मीन्स नहीं तो फ्राइडे को इतना क्यों कटवाते सबका, क्या बताएं, मीन्स सबका जिससे भी बात करते हैं इंटरव्यू में सबका, मीन्स मेजोरिटी का मीन्स अच्छा खासा धुलाई हुआ है। सो करेंसी प्री मार्केट अच्छा लस्ट, सो ये तीन फैक्टर को हमें डॉलर रुपी के बारे में अगर देखना है तो हमें ये करेंटली ये तीन सिनेरियो को देखना है। आने वाले दिनों में अगर कुछ जियोपॉलिटिकल और या इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं तो उसको देखना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ दिस थ्री फैक्टर्स को हमें माइन्यूटली मॉनिटर करना है टू लुक एट द रूपी लेवल्स। तो रूपी लेवल का अभी जो नया जोन हो गया है वो है आपका 80 से 83.00 on the support side, and जो resistance side होगा वो होगा 83.50 से 83.75, ये दो जो नया जोन आया हुआ है as far as the dollar business। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्त वो हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, इंस्टॉल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।